और कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने मुख्यमंत्री नायब सैनी के बयान पर पलटवार किया। दीपेंद्र हुड्डा ने बीजेपी जेजेपी पर निशाना साधा और कहा कि बीजेपी जेजेपी ने मिलकर घोटाले किए, दोनों एक दूसरों पर आरोप प्रत्यारोप लगाकर बच रहे हैं, बच नहीं सकते। जेजेपी 5 साल तक बीजेपी के साथ मिलकर लूटती रही। कराने की अब सोच रही है बीजेपी, बीजेपी तब जांच कराने की सोचती है और तब भ्रष्टाचार बीजेपी को दिखता है किसी का, जब कोई बीजेपी से गठबंधन से अलग हो जाए या बीजेपी दूसरी पार्टी में, उसके बाद बीजेपी उनको पार्टी ज्वाइन कराती है, गठबंधन करती है और कहते हैं मिल के भ्रष्टाचार करते हैं, ये कार्यशैली मिल के लूटते हैं। 5 साल तक मिल के लूटने का काम प्रदेश को डबल इंजन की सरकार ने किया, बीजेपी ने अलग, जेजेपी के ने अलग, बीजेपी के मंत्रियों ने अलग, जेजेपी के मंत्रियों ने अलग 5 साल तक। और मैं 5 साल तक मैं बोलता रहा कि हमारी बात मत मानो, इन्हीं के नेता आरोप लगा रहे भ्रष्टाचार के। पंडित दाता गौतम कह रहे हैं कि यह 1 लाख होपर जीमने लग रहा है, इसका अर्थ है कि वो क्या जीम रहे हैं, यानी कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार। दूसरे डॉक्टर अरविंद शर्मा जी कह रहे हैं कि 350 करोड़ का घोटाला, अमृत योजना घोटाला, पूर्व मंत्री रोहतक से पूर्व मंत्री जिनके घोटाले के तार मुख्यमंत्री के कार्यालय तक जुड़े हैं और उन्होंने घोटाला करके सबूत तक मिटा दिए, यहाँ तक भी उन्होंने बात कही, उन्होंने तो बहुत ज़्यादा बातें कही जो भाषा, तो अब उन्होंने भी कहा तो उसके घोटाले की जांच कौन कराएगा, जनता कराएगी। ये जो सारे घोटाले हुए हैं जनता नई सरकार बनाएगी, जनता बीजेपी और जेजेपी के दोनों के घोटालों की जाँच कराएगी। इतना व्यापक घोटाले जो हुए हरियाणा में, अब घोटाले करके एक दूसरे पर ये आरोप प्रत्यारोप लगा के बच नहीं सकते। अच्छा, कोई और एक सवाल, एक मिनट।